आज के इस चैप्टर में हम एक और सबक सीखेंगे फ्रॉम द बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रोबिन शर्मा। प्लांट अ ट्री, एक पौधा होगा। अकॉर्डिंग टू द एंशंट ईस्टर्न थिंकिंग, के कदीम मशरकी सोच के मुताबिक, टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ यू मस्ट डू थ्री थिंग्स। अगर आपको एक भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है उसके लिए आपको तीन काम करने होंगे। हैव अ सन, एक बेटा हो आपके पास। राइट अ बुक, एक किताब लिखें। एंड प्लांट अ ट्री, और एक पौधा लगाएं। बाय डूइंग सो, ये करने से द थिंकिंग गोज, यू विल हैव थ्री लेजेसीज दैट विल लिव ऑन लॉन्ग आफ्टर यू डाई। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी मीराश में तीन चीज़ें होंगी, वो तब तक रहेंगी इवन जब तक आपको मौत भी आपकी वाक्य हो जाए, फिर भी ये चीज़ें कायम रहेंगी। कि अगर आपने एक किताब लिखी है, आपका एक बेटा है और आपने एक पौधा लगाया है, वो आपके मरने के साथ मर नहीं जाते, बल्कि स्टिल दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, दिस थिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। वाइल देयर आर क्लियरली मैनी मोर एलिमेंट्स ऑफ हैप्पी एंड कंप्लीट लाइफ, पर ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें हैं एक मुकम्मल और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए। आई वुड ऐड द जॉय ऑफ हैविंग अ डॉटर टू द लिस्ट, मैं इस चीज़ में खुशी महसूस करूँगा कि अगर बेटे के साथ बेटी को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। द आइडिया ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज़ एन एक्सीलेंट वन, ये बात कि एक पौधा लगाया जाए ये सबसे बेहतरीन और अच्छी बात है। वॉचिंग अ ट्री ग्रो फ्रॉम अ सेप फ्रॉम वॉचिंग अ ट्री ग्रो फ्रॉम अ सेपलिंग into a tall oak will keep you connected with the daily passage of time and the cycle of the nature. कि अगर आप जब तक देखेंगे पौधा छोटी सी कोपल से बड़ा सा ओक का दरख्त बना है, तो यह आपको कनेक्ट रखती है, मतलब आपका ताल्लुक कायम करती है कि कैसे टाइम गुजरता है और कुदरत की गर्दिश कैसे चलती है, कि कुदरत का साइकिल कैसे होता है, कि एक छोटा बच्चा है तो इसी तरीके से छोटा दरख्त है, तरीके से टाइम गुजरता है तो बच्चा भी बड़ा होता है और दरख्त भी बड़ा होता जाता है। जस्ट एज द ट्री ग्रोज, जैसे ही दरख्त बड़ा होता जाता है एंड मैच्योर्स, और वो बालिग होता है या बड़ा फ्रूट देने लगता है, सो टू विल यू बी एबल टू मार्क योर पर्सनल पैसेज एंड द ग्रोथ एज अ ह्यूमन बींग। तो साथ साथ आपकी अपनी भी ज़ाती जो है टाइम के साथ ज़ाती ग्रोथ आप बढ़ रही होती है एज ए इंसान की, दरख्त के साथ साथ आप भी खुद बड़े हो रहे होते हैं। तो दरख्त लगाने से आप अपने टाइम के पैसेज पास होने का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। If you have children, अगर आपके बच्चे हैं, you might also wish to plant a tree in honor of each of them. तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आप इन सब के लिए एक एक के लिए पौधा लगाएं। As they grow, जैसे बड़े होंगे, you can carve notches on the trunk to mark their different ages. तो फिर आप जो है, जैसे ही वो दरख्त बच्चे बड़े होते जाएंगे, तो आप उनकी दरख्त के तनों पे जो है notches मीन छोटे छोटे निशान लगाना, कट लगाना, उनके तनों पे आप कट लगाते जाओगे, ताकि आप हर बच्चे की एज में डिफरेंस को कैलकुलेट करते रहो। ईच ट्री देन बिकम अ लिविंग रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, तो हर जो दरख्त होगा वो आपको हर बच्चे का, मतलब हर बच्चे के लिए अलग दरख्त लगाया, तो हर बच्चे का अलग अलग दरख्त आपको जो है वो एक ज़िंदा रिकॉर्ड आपके पास होगा कि ज़िंदगी में वो किस किस डिफरेंट मुख्तलिफ स्टेजेस पे पहुँचे हैं। प्लांटिंग अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड इन योर फैमिली इज़ अ वंडरफुल एंड क्रिएटिव एक्ट ऑफ लव एंड वन दैट योर किड्स विल रिमेंबर फॉर मैनी ईयर्स टू कम। तो हर बच्चे के लिए एक दरख्त लगाना एक हैरत अंगेज़ और तख्लीकी काम है, प्यार को, अपने मोहब्बत को इजहार करने के लिए, और जो कि आपके बच्चे को हमेशा याद रहेगा आने वाले सालों के लिए। तो अपने हर बच्चे के लिए एक दरख्त उगाएं। ये दरख्त आपको आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ और ज़िंदगी और टाइम के स्पेंड होने का एक अंदाज़ा प्रोवाइड करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीरास में आपके मरने के बाद और कोई चीज़ रहे, तो उसके लिए एक मेन एसेंस ये है कि आप एक दरख्त उगाएं जो कि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो।